सिंबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी पार्ट्स की ग्राफिक रूप में दिखाने को सिंबल कहते हैं। ये वुडन पे या किसी पेपर पर दिखाया जाता है। चलिए देखिए, जैसे ट्रांजिस्टर का अगर आपको सिंबल बनाना है तो पहले क्या कितना एक लाइन खींचनी है, उसके बाद एक ऐसे और एक ऐसे लाइन खींच देनी है, फिर एक एरो लगा देना अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो, फिर यहाँ से सीधा खींच देना है, फिर यहाँ पे सीधा खींच देना है। ये आपका ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। ठीक, आप इसके अंदर चाहें तो एक गोला भी बना सकते हैं और जो कि अच्छा लगेगा, लेकिन आप ऐसे भी चला सकते हैं। ये आपका बेस हो गया, ये आपका एमिटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का हो गया। अगर आपको डायोड का बनाना है तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका डायोड का हो गया। अगर आपको रेजिस्टेंस का सिंबल बनाना है तो सिंपली आपको यहाँ पर एक लकीर हल्की सी खींचनी होगी और उसके बाद जिग जैग लाइन बनानी होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। इसके बाद यदि आपको बनाना है कंडेंसर तो आपको एक सिंपल छोटा सी लाइन खींचनी होगी और उसके बाद ये ऐसे उसको कवर कर देना होगा। ये आपका कंडेंसर हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये हिस्सा पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर इसे बोलते हैं। दोस्तों, जब सर्किट की बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम अलग अलग टाइप के सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस किताब में देख पा रहे हैं, डीसी के लिए इस्तेमाल होने वाला ये सिंबल है, एक सीधी लाइन है। उसके बाद है पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होने वाला ये सिंबल है, जो कि एक सीधी लाइन और एक ऊपर से नीचे आने वाली क्षैतिज लाइन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंगल फेज एसी के लिए यहाँ पर इस तरह का सिंबल इस्तेमाल होता है, ऐसे। डीसी के लिए, एसी और डीसी के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, जिसमें एक सीधी लाइन खींच दी जाती है, उसके ऊपर एसी की लाइन खींच दी जाती है। न्यूट्रल लाइन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉट डॉट लाइन। इसके अलावा कुछ और आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि ये क्रॉस वायर का है, ये सील्ड लाइन का है, सेल का सिंबल है। सेल के सिंबल में एक सीधा रेखा छोटी सी, उसके बाद एक बड़ी रेखा खींच देते हैं, उसके बाद एक लाइन इधर एक लाइन इधर खींच देते हैं, ये आपकी सेल की रेखा हो गई। एसी के लिए सिंगल ये हो गया आपका एसी, केवल अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हैं। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। उसके बाद नेगेटिव के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अर्थ के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। ज्वाइंट वायर के लिए एक सीधी लाइन, एक टेढ़ी लाइन ऐसे सीधी खींच दी जाती है, उसके बाद एक ज्वाइंट दिखा दिया जाता है। बैटरी के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। फिक्स रेजिस्टेंस के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर जो कि फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं, उनके लिए ये सिंबल इस्तेमाल होते हैं। ये फिक्स के लिए है, ये वेरिएबल के लिए है। दो सीधी लाइन ऐसे खींच दी जाती है, उसके बाद एक ऊपर से लाइन आती है, एक नीचे से लाइन आती है, उसके बाद एक तीर बना दिया जाता है। ये ट्रांसफार्मर का है, लेकिन ये बहुत फेमस नहीं है सिंबल। ये वो रेजिस्टेंस होते हैं जो कि वैल्यू जिनकी बदलती रहती है, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, उन रेजिस्टेंस का है। ये दोनों ही रेजिस्टेंस के सिंबल, एक ये वाला और एक ये वाला। आजकल ये वाला ज्यादा चल रहा है, ये पुराना सिंबल है, लेकिन दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद होता है आपका जो फेमस है ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ट्रांसफार्मर के लिए सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी ट्रांसफार्मर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए कुछ और सिंबल्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये डायोड का सिंबल है, ये डायोड का सिंबल है। एक ऐसे ऐसे बनाने के बाद ये सीधा बना देते हैं ऐसे। ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया, फोटो डायोड का है। उसके अलावा कुछ और फेमस सिंबल हैं यहाँ पे, जैसे ये आपका ट्रांजिस्टर का है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। कुछ और सिंबल भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है। सवाल ये उठता है कि हमें इन सिंबल्स की जरूरत क्यों पड़ती, क्योंकि हमारे पास अलग अलग सर्किट बुक होती है, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। जैसे ये आपका एक सर्किट है, तब आपको इसमें दिख रहे होंगे अलग अलग टाइप के सर्किट हैं।
अलग अलग इसमें सिंबल बने होते हैं, जैसे कि ये देखिए आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा, कंडेंसर दिख रहे हैं, एक आईसी दिख रही है, आईसी 301 यूपीसी 1031 वर्टिकल ऑसिलेटर के रूप में इस्तेमाल होती है। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के सर्किट दिख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका कंडेंसर हो गया, ये आपका पीएफ कंडेंसर हो गया, तो अलग अलग इस प्रकार के सर्किट आते हैं। ये सारे फिजिकल रूप में जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, जब आपको पेपर पे दिखाना पड़ता है तो आपको इसके लिए सिंबल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो कि अपेक्षाकृत सरल होते हैं, जिससे कि आप सर्किटों में देख सकें और उसको पढ़ के बना सकें, रिपेयर कर सकें। इसलिए हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फिजिकल रूप में तो आप इसको किताब में दिखा नहीं सकते किसी भी तरीके से, या बोर्ड में दिखा नहीं सकते, महंगे भी होते हैं, दूसरी जगह भी ज़्यादा घिरते हैं। लेकिन जब आप थ्योरेटिकल रूप में देखना चाहते हैं तो आपको इस तरह के सिंबल के रूप में यही चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये भी वायर वाउंड रेजिस्टेंस है 15 ओम्स का, ये 15 ओम्स का 5 वाट का वायर वाउंड रेजिस्टेंस है जो सफेद रूप में आपने देख रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक सर्किट के रूप में दिख रहा होगा फिजिकल रूप में, लेकिन जब आपको किसी सर्किट में दिखाना है पेपर में तो आपको कुछ इस फॉर्म में दिखेंगी ये सब चीजें। जैसे कि ये डायोड है, यहाँ पे भी डायोड का इस्तेमाल हुआ है, देखिए इस सर्किट में ये काले वाला जो देख रहे हैं ये डायोड है। देखिए ये एक मॉस्फेट सर्किट इन्वर्टर का डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा सर्किट डायग्राम में अलग अलग, देखिए आपको इसमें सब पूरा डायग्राम दिख रहा होगा। देखिए ये फिजिकल रूप है, ये मॉस्फेट इन्वर्टर की किट है, ये इसका फिजिकल रूप है। फिजिकल मतलब जो आपको सर्किट डायग्राम में दिखा था वो उसी का ही ये फिजिकल रूप है, और ये सर्किट डायग्राम है। देखिए ये आपका फिजिकल रूप है और ये इसका सर्किट डायग्राम। अब जैसे आपको पता करना है कि ये रेजिस्टेंस जो है कौन से लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ये कौन से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसको देखने के लिए आपको यहाँ सर्किट में देखना पड़ेगा 4 रेजिस्टेंस कौन से लगे हुए हैं। तो ये देखिए ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R97.01 ओम, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पे। देखिए इसमें कुछ रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, R52, R53, R54, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए R52 22K फिजिकल रूप में आपने वहां पे देखा, अब ये थ्योरेटिकल रूप में आपको यहाँ पे दिखेगा पेपर रूप में, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आईसी की पिन नंबर किस पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है, R52 22K लगा हुआ है। जैसे अगर आपका कल को सर्किट खराब हो जाए तो आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे है R52 ये लगा हुआ, ये आईसी की पिन नंबर 8 पे जा रहा है। देखिए इन्वर्टर सर्किट में एक आईसी लगी हुई है LM 339, ये कितनी टांगों वाली है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे इसकी आप टांगे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टांगों की आईसी है। तो ये जो फिजिकल फॉर्म रही है IC 339, इसमें आपको प्रत्येक पिन के बारे में कहाँ पे गया है सर्किट में बताया गया होगा। जैसे ये आपका 8 नंबर पिन है, एक रेजिस्टेंस के द्वारा एक कैपेसिटर को गया है, जो कि 2.2 MFD का 63 वोल्ट का एक कंडेंसर है, ठीक। वहां से एक और रेजिस्टेंस हो गई है जो कि 10K का लगा हुआ है, चलिए इसको ढूंढते हैं। देखिए ये रहा C34, 2.2 MFD का 63 वोल्ट का है ये कैपेसिटर।
इस प्रकार हम पूरे सर्किट को ट्रेस कर सकते हैं फिजिकल रूप को आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा पार्ट का कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है, वो पार्ट का नाम क्या है, जैसे ये ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, इन ट्रांजिस्टर्स के नाम क्या, जैसे ये BC557 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है 47 MFD 50 वोल्ट का, तो वो जो आप फिजिकल रूप में काम करते हैं उसको आप यहाँ पर ग्राफिक रूप में देखते हैं, यही सर्किट कहलाता है। ग्राफिकल रूप में देख सकते हैं।